नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में आज के इस वीडियो में एक ऐसी दवाई के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसका उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है दोस्तों बात करने वाले हैं कीटोरॉल डीटी टैबलेट के बारे में ये दोस्तों जो कीटोरॉल डीटी टैबलेट है डीटी का मतलब आपको मैं बता देता हूं डीटी का मतलब है दोस्तों डिस्पर्सिबल टैबलेट कहने का मतलब है ये जो टैबलेट है ये आपके मुंह में ही डिजॉल्व हो जाती है ठीक है तो इस दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए जैसे भाई इसके यूजेज क्या हैं कितना डोज इसका पेशेंट को दिया जाता है कैसे लेने की सलाह दी जाती है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और भैया जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई ये जो किटोरॉल डी टी टैबलेट है इसको बनाने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की गई है तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से किटोरोक ट्रोमेथामीन मेडिसिन डाली गई है बात करें दोस्तों कि ये जो किटोरोक है या आखिरकार किस क्लास की दवाई है तो दोस्तों ये नॉन एस्ट्रॉयडल एंटी इन्फ्लामेट्री क्लास की मेडिसिन होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एन भी बोला जाता है इसके कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये एसिटिक एसिड डेरिवेटिव की कैटेगरी में आती है बात करें दोस्तों कि भाई ये जो मेडिसिन है इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो दोस्तों ये पोटेंट एनाल जैसे कहे मतलब ये दर्द से राहत देगी और साथ ही अगर आपके शरीर में स्वेलिंग सूजन है तो उसको भी कम करेगी बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम कि भाई ये जो टैबलेट है इसकी स्ट्रेंथ क्या मार्केट में अवेलेबल है तो दोस्तों ये जो टैबलेट है ये लोअर स्ट्रेंथ में आती है जैसे कि 10 एम और 20 एम ऐसे ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है भाई अब बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं किस किस कंडीशन में इसको चलाया जाता है तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके शरीर में हल्के फुल्के से लेकर तेज़ दर्द हो रहा है तो इसका उपयोग उसमें करते हैं साथ ही दोस्तों इसका उपयोग पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल पेन कहने का मतलब है दांत में किसी प्रकार का ऑपरेशन या फिर दांत आपका निकाला गया है उसके बाद में अगर किसी प्रकार का दर्द वहां पे होता है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं साथ ही दोस्तों एक्यूट मस्कुलो में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों इस प्रकार का जो दर्द होता है ये आपके जो है बोन्स को ज्वाइंट को लेगाेंट को प्रभावित करता है और वहाँ पे अगर हल्की सी भी चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं साथ ही दोस्तों इसका उपयोग रेनल कोलिक रीनल कोलिक में दर्द जो होता है इसमें क्या होता है दोस्तों जो हमारी किडनियाँ होती हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है साथ ही दोस्तों इसका उपयोग माइग्रेन अगर किसी को माइग्रेन की दिक्कत रहती है सर वगैरह में दर्द बना रहता है तो उसमें भी करते हैं और दोस्तों इसका उपयोग बोनी मेटास्ट्रेसिस में भी किया जाता है दोस्तों इसमें क्या होता है जो कैंसर सेल होती हैं वो अपने स्थान से बोन में फैल जाती हैं तो उस कंडीशन में इसका उपयोग होता है तो दोस्तों ये थे इसके मुख्य उपयोग जो कि आपने डिटेल में जाना हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अदर कंडीशन में भी रिकमेंड करें अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भाई इस टैबलेट को लेना कैसे इसका डोज कितना होता है दोस्तों इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है जो बच्चे दो साल से कम उम्र के हैं उनमें इसका उपयोग नहीं करना है बात करें दोस्तों डोज के बारे में तो इसकी जो दस मिलीग्राम वाली टैबलेट है वो डॉक्टर ज़्यादातर पेशेंट को देते हैं और दोस्तों ये टैबलेट हर छः घंटे में लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों ये जो दवाई है ये पाँच दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जीआई और रीनल टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है अगर इस टैबलेट का उपयोग पांच दिनों से ज्यादा किया जाता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाई इसमें साइड इफेक्ट क्या क्या दिखाई दे सकते हैं तो साइड इफेक्ट में जैसे कि नोजिया पेशेंट को उल्टी और मतली आ, की समस्या होना पेट में दर्द महसूस होना भूख कम लगना या फिर दोस्तों पेट में अल्सर हो जाना लोज मोशन होना साथ ही दोस्तों जो है ड्राउजनेस होना या फिर सर में दर्द होना चक्कर जैसा महसूस होना और नर्वसनेस ये इसके साइड इफेक्ट हैं दोस्तों हो सकता है इसमें से या फिर इसके अलावा आपको इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले अगर कोई भी इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो इस दवाई को नहीं लेना है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाई इस दवाई को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं तो दोस्तों जिन लोगों को इस दवाई से एलर्जी है वो लोग इस दवाई से दूर रहें इसका इस्तेमाल ना करें साथ ही जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं जब वो एल्कोहल का सेवन करें तो इस दवाई को ना लें साथ ही दोस्तों अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है अगर कोई महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो वहाँ पर अपने आप से ये दवाई उपयोग नहीं करनी है लीवर और किडनी की गंभीर बीमारी होने पर भी अपने आप से ये दवाई नहीं लेनी है और दोस्तों इसका उपयोग जो है लेबर और डिलीवरी में उस कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करना है और दोस्तों अगर पेट में कोई एक्टिव पेप्टिक अल्सर है घाव छाले हैं तब भी इसका उपयोग नहीं करना है और साथ ही दोस्तों मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसके जो है आ, हमारे जो पाचन तंत्र है वहाँ पर कहीं पर भी जो है ब्लीडिंग का डिसऑर्डर हो चुका है पहले रिसेंटली तब भी इसका, इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो दोस्तों यही था आज अच्छा का वीडियो कीटोरॉल डी टी, टी टैबलेट के बारे में उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार क्या देख रहे हो लेजेबल कंटेंट देता रहता हूं आपको मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम टेक केयर